नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का आयोजन है और प्रत्येक नागरिक को इससे जुड़ना चाहिए। लोग अपने तिरंगे की फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा आयोजन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। यूपी में हर घर लहराएगा तिरंगा, गूंजेगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सीएम योगी ने किया पोस्टर का विमोचन। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। 2.28 करोड़ घरों पर 50 लाख सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों आदि में ध्वजारोहण किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर अमृत महोत्सव के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। उन्होंने संस्कृति विभाग के सामुदायिक रेडियो जय घोष के थीम सॉन्ग और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का आयोजन है और प्रत्येक नागरिक को इससे जुड़ना चाहिए। लोग अपने तिरंगे की फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा आयोजन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्वयं सेवकों व स्वयं सेवी संगठनों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाए। स्कूलों में स्लोगन व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकलवाई जाए। योगी ने कहा कि झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता श्याम लाल गुप्त पार्षद कानपुर के ही निवासी थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई जाए। पीआरडी जवानों द्वारा साइकिल रैली, मंगल दलों द्वारा मैराथन दौड़ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 12 मार्च 2021 से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। करीब 3,500 कार्यक्रमों में 4.5 करोड़ लोगों ने सहभागिता की। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर तिरंगा झंडा तैयार करने के लिए अभी से कार्य शुरू किए जाए। 2 करोड़ झंडे एमएसएमई विभाग के माध्यम से और 1.18 करोड़ झंडे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार कराए जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24।